नवरात्रि के 9 दिनों में देवी पूजन का विधान है। 9 दिनों तक देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि की पूजा कन्या पूजन के बगैर अधूरी मानी जाती है। कन्या पूजन को लेकर शास्त्रों में कई खास बातें लिखी है, जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। सनातन धर्म के प्रामाणिक ग्रंथ धर्मसिंधु में इसका उल्लेख है। धर्मसिंधु के मुताबिक अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कन्या पूजन में अलग अलग विधान बताए गए हैं, जिसका विधि विधान से यदि पालन किया जाए तो मनुष्य जीवन में धन, ऐश्वर्य, विद्या, यश, राजसत्ता और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय से। 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन किया जाता है। उनका शास्त्र में धर्म सिंधु जैसे शास्त्र में नाम दिया गया, मैं बतला देता हूँ। उनका क्रम यह है कि 2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक जो है कुमारी होती हैं, उसके उस पर जो है त्रिमूर्ति होती हैं, उसके ऊपर कल्याणी होती हैं, उसके बाद रोहिणी होती हैं, उसके ऊपर काली होती हैं, उसके ऊपर चंडिका होती हैं, फिर सांभवी होती हैं, दुर्गा होती हैं, फिर उसके बाद 9 से लेकर 10 वर्ष तक जो होती है भद्रा, उनकी संज्ञा होती है। ये 9 देवियों के जो है नाम है। कामना के हिसाब से जो है किसी को विद्या या यश चाहिए तो ब्राह्मणी कन्या को बुला करके वह भोजन कराए, कोई धन चाहता है तो वैश्य की कन्या को बुला कर भोजन कराए, कोई राजसत्ता चाहता है, मान प्रतिष्ठा चाहता है तो वह क्षत्रिय की कन्या को बुला करके भोजन कराए, कोई सेवा भाव चाहता है, मोक्ष की प्राप्ति चाहता है तो वह किसी शूद्र की कन्या को बुला करके अगर भोजन कराता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जी।